जब मुझे पता चला कि नरगिस आप लोगों की गोद ली हुई बेटी है तो पायल का पास्ट नरगिस का फ्यूचर बनकर मेरे सामने आ गया। मिसेस खन्ना, ये जरूरी तो नहीं है कि जो आपकी भतीजी पायल के साथ हुआ वो मेरी बेटी नरगिस के साथ भी हो। वादे के मुताबिक नफीसा के साथ साथ हम सबको भी तो अच्छे कपड़े लत्ते और जेवर भी तो चाहिए ना। हमें सब याद है खाला जान। मैं नरगिस के पैरों पर सर रख कर अपने बेटे की जान बचाने के लिए रहम की फरियाद करूंगा। फिर आप गलत राह पर जा रहे हैं। फरमान भाई, मैं यहाँ पर बिजनेस डील के लिए आया हूँ, बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ, अपने या आपके घर की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए नहीं आया। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम। मुझे एक एक पैसे के लिए पाई के लिए मोहताज बना के रख दिया तुमने मुझे, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि तुम एक और लेकिन तुमने क्या किया तुमने? हमेशा हर बार मुझे बेइज्जत किया, हर एक सामने बेइज्जत किया। मैंने बेइज्जत किया? हाँ, क्या बेइज्जत? और मनराय के पास जाकर बेइज्जत किया तुमने मुझे। वो शख्स मुझे आंखों पर बैठाता था, मेरी इज्जत करता था, लेकिन उसने नजरें फेर ली मुझसे सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ अपने दिल का सारा जहर उसके सामने उगल दिया। क्यों नहीं थी वहां पर तुम? क्यों? इसलिए गई थी क्योंकि अब तक तुम्हारे करोड़ों रुपए का कर्ज मैं अदा कर चुकी हूं। अब और कर्ज अदा करने की ताकत मुझ में नहीं है। समझ गया, सब समझ गया कि तुम जिंदगी भर अपने सामने मुझे मोहताज बना के रखना चाहिए। बर्दाश्त नहीं होता कि मैं कामयाबी की कोई सीढ़ी चढ़ूं। एक बार सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला तो तुमने इल्जाम के पत्थर मार मार कर मुझे जमीन पर गिरा दिया। पहले मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसलिए ताकि दुनिया की निगाहों में मैं तुम्हारा पति भी बना रहूं और तुम्हारे सामने हाथ फैलाए हुए कौड़ियों का मोहताज भी बना रहूं मैं। बहुत अच्छा खेल खेला तुमने। जीनियस, यू आर जीनियस। मैंने खेल खेला है? मैंने कभी कोई खेल नहीं खेला और ना ही कभी तुम पे कोई इल्जाम लगाया है। हाँ, हमेशा बस इतना चाहा है कि तुम गलत रास्तों को छोड़कर अपने परिवार वालों के लिए जियो, अपने लिए जियो। लेकिन लोग मुझे जीने भी कहा देते हैं अपने लिए। अब अपने लिए जीऊंगा, ये जानते हुए भी अपने लिए जीऊंगा कि तुम मेरी कामयाबी से चिढ़ती हो तुम। मैं जलती हूँ? अरे मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम। कितना इमोशन है इस दिल में जो पानी बनकर बाहर आता है। तुम क्या चाहती हो ये फरमान लाही के पास जाकर तुमने मुझे बता दिया, लेकिन मैं क्या चाहता हूं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अपने दिमाग में इस बात को बहुत अच्छी तरह से बैठा लेना। गुडबाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो बेटे, तमाम गमों से महफूज रहो। आमीन। आप कैसे हैं अब्बा? बेटी के फैसलों में शामिल दिल के दर्द को दबाया। दुआओं में बैठा बाप कैसा होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है बेटे। जानती तो बेटियां भी हैं अब्बा, मगर वो बेटियों के साथ साथ किसी की बहू, किसी की बीवी भी होती है। हाँ, शायद इसीलिए शादीशुदा बेटी के सामने माँ बाप बेबस और मजबूर नजर आते हैं बेटे। शायद। अब्बा जान, आप और चचा जान मुंबई कब आ रहे हैं? नहीं बेटे, हम नहीं आ पाएंगे। अब हमें ना बुलाओ बेटे। आप ये चाहते हैं अब्बू जान कि आपकी बेटी को ये मलाल रहे कि उसके अब्बू और चचा जान उसकी खुशियों में उसके साथ नहीं है? बेटी की खुशियों के लिए दुआ तो मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ, लेकिन किसी के कदमों तले बेटी का उजड़ता आशियाना देखने की ताकत नहीं है मुझ में। इसलिए बेहतर होगा बेटे, हमें आने के लिए मजबूर ना करो। ठीक है अब्बा जान, अब हम आपको कभी मजबूर नहीं करेंगे। हम ये मान लेंगे कि हम अपने अब्बू के लिए मर चुके हैं। शमा, शमा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं बेटे, अल्लाह के लिए ऐसी बातें मत कहो। अरे मौत की तरफ तो हमारे कदम बढ़ रहे हैं बेटे। अगर मुमकिन होता तो हम अपनी तमाम उम्र तुम्हें दे देते हैं, लेकिन अफसोस की है ये नहीं हो सकता बेटे। अगर तुम ऐसी बातें कहोगी तो फिर अपनी बेटी के फैसले में उसके साथ खड़े होने से परहेज क्यों कर रहे हैं अब्बू? अगर आप नहीं आए ना अब्बू, तो हम ये समझेंगे कि हमने अपने अब्बू का दिल दुखाने का अजीम गुनाह किया है, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें इस गुनाह की सजा दे। नहीं नहीं बेटे, अल्लाह के लिए ऐसा मत कहो। ठीक है, इतवार की सुबह तक हम मुंबई पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज बेटे। अल्लाह हाफिज। खुश रहो। मैं इतवार की टिकट करवा लेता हूँ, हम चलेंगे। टिकट्स तो बुक हो जाएंगे मकबूल मियाँ, लेकिन हम तोहफा क्या लेकर जाएंगे? और किसके लिए लेकर जाएं? अपनी बेटी के लिए या मैडम? हम सही जगह आए हैं ना? लगता तो वही है। अरे आप यहाँ मेरे घर में? जी आदाब। जी आदाब। वो कॉलेज से आ रहे थे तो आपा से मिलने का ख्याल आया, सोचा इसी बहाने आपका घर भी देख लेंगे और इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड काजल के साथ यहाँ चली आई। लेकिन अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो हम वापस चले जाते हैं। नहीं 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 प्लीज़, मेरे पूछने का वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? एक्चुअली यकायक आपको यहाँ देखा तो हम तो अपना समझ कर आए थे। तो तशरीफ रखिए, बैठिए। बाजी बाजी ये नरगिस है। आप हमें जानती हैं? नहीं, मैं अपने भाई को जानती हूँ, इसलिए आपको पहचान गई। भाई को जानती हैं इसलिए आप हमें पहचान गई? हम कुछ समझे नहीं। बाजी प्लीज़। बात ये है कि मेरे भाई को जानने वाली ऐसी कोई लड़की है ही नहीं जो घर तक आ जाए, इसलिए बस पहचान गई कि आप ही नरगिस हैं। इसका मतलब मेरी दोस्त के चर्चे आपके घर में पहले भी कई बार हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, मेरे भाई ने इन्हें एक्सीडेंट में बचाते हुए जख्म खाया। अब जब जख्म खाया तो आपा की डांट भी खानी पड़ी। अब जब डांट खाई तो जाहिर है कि जिक्र भी हुआ और फिर इनका नरगिस के घर जाना वो भी जिक्र का सबब बना। बाजी प्लीज अब बस कीजिए ना। क्यों? क्योंकि आपको बात करने का मौका नहीं मिल रहा इसीलिए। बाजी वैसे भी मैं चाय बनाने जा ही रही हूँ। हाँ। बस उससे पहले मैं इन्हें ये तो एहसास दिला दूँ कि मैं आपकी बहन हूँ। बाजी ये लोग समझ चुके हैं। हाँ। तो मैं भी चाय बनाने जा ही रही हूँ। आप इतना घबरा क्यों रहे? जी नहीं, तकल्लुफ मत कीजिएगा। हम तो सिर्फ आपको मिलने चले आए थे और फिर घर पे किसी को बताया नहीं है तो सब फिक्रमंद होंगे, तो हमें जल्दी जाना चाहिए। हम जा सकते हैं? जी जल्दी जाने के लिए आप आई हैं तो नो प्रॉब्लम, आप जा सकती हैं। लो इजाज़त मिल गई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गई। अरे दोस्तों को दरवाजे तक छोड़ने नहीं जाना तहजीब के खिलाफ होता है। जाइए छोड़ के आइए। जी बाजी। नरगिस मैंने सोचा मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूँ। तो अच्छा किया ना, हमें भी यकायक कुछ याद आ गया। क्या? अब दरअसल आज फ्रेंडशिप डे है। वैसे तो बहुत सारे लड़के हमसे दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन हमें लड़कों से दोस्ती करना अच्छा लगता ही नहीं। पर आप पहले इंसान हैं जिससे हम दोस्ती करना चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आपको ये बैंड बांध दें? जी ज़रूर। तो अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आंखें खुली और जुबान बंद क्यों है भाई? बाजी। जा। देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बेलें कितनी खिल रही हैं ना इन पर। हाँ बेटी, बेलें तो खिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल बुझे बुझे से लग रहे हैं जी। अचानक दिल में एक अजीब सी कैफियत महसूस हो रही है। सोचा तुमसे बात करूं कि हो सकता है तुम्हें भी कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा हो। कैसा एहसास, कैसी कैफियत? शमा बेटी, मेरा दिल बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछता है कि कहीं कहीं हम दोनों मिलकर फरमान के जज्बात को जख्मी तो नहीं कर रहे, कहीं हम उसके साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे। ये आप कह रही हैं अम्मी जान, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं? गलत सही हम नहीं जानते, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुदगर्ज से लगने लगे हैं। हो सकता है अम्मी कि हम खुदगर्ज हों, मगर ये खुदगर्जी हम सबकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर वक्त रहते हमने ये कदम नहीं उठाया तो हमें हमारा वारिस कभी नहीं मिलेगा, नस्ल खत्म हो जाएंगी, फिर वही ताने बदी उंगलियां उठेंगी हम पर। लेकिन अगर हम इसे कुछ वक्त के लिए रोक लें तो? रोक तो सकते हैं अम्मी जान, मगर तब तक वक्त बहुत आगे निकल जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान का शरीर भी कमज़ोर पड़ने लगता है। हो सकता है उस वक्त तक फरमान वारिस देने के लायक ना रहे, इसलिए वक्त निकलने से पहले ही हमें फरमान का निकाह करवाना चाहिए। लेकिन बेटा अम्मी जान, हम नहीं जानते हम इंसाफ कर रहे हैं या नाइंसाफी, क्योंकि इतना सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। जो तुझे ठीक लगे वो कर बेटा, मैंने तो अपनी सोच को तेरे हाथों सौंप दिया है और तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ दिया। जमीन पे तू है, ऊपर वो, जो तुझे ठीक लगे वो कर, जो तुझे ठीक लगे वो कर। शमा तो हर हाल में जलती रही अम्मी, उसे जलने से कौन रोक सकता है? शमा तो हर हाल में जलती ही रही अम्मी जान, उसे कौन रोक सकता है? अरे भाई कोई है? कमाल है, कोई दिख ही नहीं रहा। मजा आ गया अम्मी, मजा आ गया। मेरी भी शादी करोगे ना अम्मी? आपने कहा था मेरी भी शादी करोगे। हाँ, जब देखो अपनी शादी की बात करता रहता है ये कमबख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अनिशमिया है, मैं यहाँ का पुराना नौकर। अच्छा अच्छा, अनिशमिया एक बात तो बताइए। जी फरमाइए। शमा ने अपने घर पर ना बुलाकर हमें इतने बड़े होटल में क्यों बुला रखा है? ये होटल नहीं, घर ही है। हाय हाय, किसका घर है ये? किसका? फरमान साहब जी का घर है। आप यहीं रुकिए, हम अभी मालकिन को बुला के लाते हैं। सुनो, ये भी लेके जाओ। जी फरमान साहब का घर, अरे वाह क्या ठाठ है। हाँ? अरे तू इधर आ, सुना बेटी फरमान साहब का घर है ये। अम्मी वो मेरी चॉकलेट तो नहीं निकालेगा ना? सईदा खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमा बेटी कैसी है खाला जान? बहुत अच्छी हूँ। वालेकुम अस्सलाम नफीसा। अरे तू भी सलाम करना। आदाब आदाब आदाब। जीते रहिए। अम्मी ये घर बहुत खूबसूरत है ना, हम यहीं रहेंगे। हाँ हाँ बेटा, हम यहीं रहेंगे। हाँ शमा बेटी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेरा मतलब है नफीसा की शादी के लिए तैयार हूँ। सचमुच घर तो बहुत अच्छा है, ये तो यहाँ राज करेगी, इसके तो नसीब ही खुल गए। हाँ खाला जान आइए ना, अंदर चलते हैं। हाँ चलो चलो, आओ नसीब, चलो चलो आ जाओ। घोड़ा भी है, बहुत मजा आएगा। टुकड़ 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 टुकड़, बहुत मजा आएगा। बहुत सारे खिलौने इधर, तो बहुत बड़ा घर है। तो ये है शादी के बाद का आपका नया कमरा। बताइए कैसा लगा आपको आपका नया घर छोटी अम्मी?